गैंगस्टर अबू सलेम की सजा का मामला फिर गर्मा गया है। सलेम के ऊपर हत्या, वसूली, बम धमाके के आरोप साबित हो चुके हैं और वो सजा काट रहा है, लेकिन सजा के संदर्भ में एक पेच फंसा हुआ है जिसके कारण अबू सलेम जैसे खतरनाक गैंगस्टर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। उसे 8 साल बाद रिहा भी कर दिया जाएगा क्योंकि सलेम को भारत लाने के समय सरकार ने कुछ वादे किए थे और इसी वादे को पूरा करने को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पिछले 8 मार्च को सीबीआई ने अबू सलेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज किया। इस हलफनामे में कहा गया कि भारत सरकार ने पुर्तगाल से सलेम के प्रत्यार्पण के समय जो अंडरटेकिंग दी थी उसे मानने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है। सीबीआई के इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की। इसके साथ ही भारत सरकार को इसके लिए जवाब दाखिल करने को कहा। अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने 17 दिसंबर 2002 को पुर्तगाल अथॉरिटी के सामने सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त जो अंडरटेकिंग दी थी उसका उचित मौके पर पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और वह कानून के आधार पर फैसला लेती है। सरकार जो भी स्टैंड लेती है वो अदालत के फैसले में रुकावट नहीं बन सकता है। दरअसल अबू सलेम को 2002 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय पुर्तगाल और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई थी। इसके कारण उसे पुर्तगाल की जेल में ही रखा गया। उस समय अबू सलेम के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने पुर्तगाल के साथ बातचीत शुरू की। इसमें 3 साल लग गए और 2005 में उसे भारत लाया गया, लेकिन इस प्रत्यर्पण में पुर्तगाल सरकार ने 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त के अनुसार उसे फांसी नहीं दी जा सकती है और दूसरी शर्त के अनुसार उसे 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती है। भारत सरकार ने पुर्तगाल की दोनों ही शर्तों को मान लिया था। हालांकि शर्त के बावजूद अभी सलेम की सज़ा बाकी है, लेकिन सलेम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में समय को लेकर एक अड़ंगा लगा दिया है। सलेम के वकील ने तर्क दिया है कि 25 साल की सज़ा को 2002 से गिना जाना चाहिए जब उसे पहली बार पुर्तगाल में कस्टडी में लिया गया था। इसके आधार पर उसकी सज़ा 2027 में पूरी हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार का मानना है कि उसे साल 2005 में लाया गया था तो इसके कारण उसकी सज़ा 2030 में पूरी होगी। अभी सलेम को 25 साल की सज़ा काटने में 8 साल का समय बाकी है और इससे पहले किसी भी तरह से अंडरटेकिंग की बात कहना उचित नहीं है। सलेम उससे पहले किसी भी तरह के राहत का क्लेम नहीं कर सकता। उसकी ओर से जो भी दलील रखी गई है वो समय से पहले की बात है। उसकी आशंका कल्पना के ऊपर आधारित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।